हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं बेटा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। यहाँ पे हमें टू जीरोज या टू फैक्टर्स हमें गिवन है, √5/3 और -√5/3। हमें अदर जीरोज निकालनी है। अदर जीरोज कितनी होंगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो भी हमारी हायर डिग्री होती है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है पी एक्स जो है 3x की पावर 4, हायर वैल्यू क्या है 4, तो हमारे जो रूट्स होंगे जीरोज होंगे वो कितने होंगे 4। दो हमें गिवन है तो टू और हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू रूट्स। ये दो रूट्स हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हमें टू रूट्स और फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे करने हैं चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पी एक्स देख लेते बेटा गिवन क्या है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5। और जो फैक्टर्स गिवन है जीरोज गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू √5/3 एंड x = -√5/3। दीज टू फैक्टर्स आर गिवन, तो इनकी हेल्प से हमें अदर टू फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। मैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ये करने हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x = √5/3 है, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या वैल्यू बन जाएगी x - √5/3। और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, राइट में नेगेटिव है तो लेफ्ट में आके बेटा पॉजिटिव x + √5/3। अब इन दोनों को क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a - b का, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं a + b। a - b किसके इक्वल होता है बेटा, a² - b² के। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू क्या है हमारा x, और b इज इक्वल टू क्या है √5/3। ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। a² - b² है तो x² - √5/3 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारी x² - 5/3। एक तो वैल्यू जो आ गई हमारी प्रोडक्ट की ये आ गई। दूसरा जो मेथड है इनका, सेकेंड मेथड मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है, इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। x - √5/3 था, x + √5/3 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई की तो बेटा क्या आ गया x²। x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का √5/3x। इसकी वैल्यू माइनस वाले के साथ की तो क्या आ गया, माइनस का √5/3x। और माइनस की और प्लस के साथ करेंगे तो -√5/3 × √5/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5/3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई x² - 5/3। आई होप इट इज क्लियर। दो मेथड आपको बताए हैं, एक आइडेंटिटी के थ्रू, एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, कैसे भी हम इनकी प्रोडक्ट या वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि √5/3 का स्क्वेयर ये कैसे आ गया 5/3, और यहाँ पे √5/3 और √5/3 ये 5/3 कैसे आ गया वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी √5/3 का स्क्वेयर, जो ये रूट होता है इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, 5/3 की पावर 1/2, और ऊपर पावर कितनी थी 2, तो 2/2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बच गई हमारी 5/3। इस तरीके से यहाँ पे 5/3 आया है हमारा। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हुई है, √5/3 की मल्टीप्लाई √5/3 से। अब रूट की वैल्यू का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3 की पावर 1/2 × √5/3 की पावर 1/2। अब ये वैल्यू 5/3 सेम है तो पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, तो 5/3 पावर क्या हो जाएंगी 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 5/3। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि 5/3 कहाँ से आया है। चलिए अब देखते हैं इससे आगे हमें करना क्या है।
हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाई थ्री है ये आ गई वैल्यू, और पी एक्स जो था हमारे पास वो क्या था, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। तो जो जी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, जी एक्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाई थ्री। पी एक्स जी एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इनसे डिवाइड करेंगे इस पी एक्स को जी एक्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डिवीजन आपने पिछली वीडियोज में देखी हैं, डिवीजन कैसे करनी है देखेंगे। वैल्यू क्या थी, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। डिवाइड किससे करना है हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाई थ्री से। अब यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको डिवाइड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बच्चों को हो सकती है, तो इसको ध्यान से देखना एक बार कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उनको डिवीजन कर लेते हैं। थ्री एक्स की पावर फोर है अपॉन में एक्स की स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर से इसको कैंसिल किया तो क्या बचेगा, थ्री एज इट इज। यहाँ पे फोर पावर थी, टू नीचे थी तो ऊपर जाएगी तो माइनस होके क्या आ जाएगा, एक्स की पावर टू, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर, थ्री एक्स स्क्वेयर पे गई वैल्यू। अब थ्री एक्स स्क्वेयर की एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स की पावर फोर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, माइनस का फाइव बाई थ्री, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर से, थ्री से थ्री कैंसिल तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा, माइनस का फाइव एक्स स्क्वेयर। माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर है तो स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे रखेंगे इसको, माइनस का फाइव एक्स स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, रिवर्स द साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव करेंगे, थ्री एक्स की पावर फोर से थ्री एक्स की पावर फोर कैंसिल आउट। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिक्स एक्स क्यूब प्लस के फाइव में से माइनस टू गया तो बेटा क्या आएगा, प्लस का थ्री एक्स स्क्वेयर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेंगे क्या है हमारी, सिक्स एक्स क्यूब, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो सिक्स तो एज इट इज, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, थ्री में से टू गया वन तो ओनली एक्स बच गया, तो यहाँ पे किस पे चली गई वैल्यू, सिक्स एक्स पे, सिक्स एक्स की एक्स के स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया बेटा, सिक्स एक्स क्यूब। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई सिक्स एक्स, थ्री टू जा सिक्स, माइनस फाइव टू जा टेन एक्स, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टेन एक्स, माइनस एक्स वाली टर्म के नीचे रखेंगे माइनस का टेन एक्स। दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस या माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, थ्री एक्स स्क्वेयर, और टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल आउट और माइनस फाइव। चलिए अभी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है तो अभी वो फर्दर डिवाइड होगा, तो थ्री एक्स स्क्वेयर को डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वेयर से तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारी, थ्री, तो प्लस थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई करो बेटा, थ्री एक्स स्क्वेयर की थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाई थ्री की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से थ्री कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारी, रिमाइंडर जो आ गया कुछ नहीं आया हमारा, जीरो आ गया रिमाइंडर। जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है वो देखते हैं हम, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करके हमारे पास टू रूट्स आएंगे, दो हमें गिवन है, दो और हम न्यू रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा सोल्व। चलिए इसमें से क्या करते हैं बेटा, थ्री से डिवाइड कर लेते हैं पूरी टर्म को, इज इक्वल टू जीरो होता है, तो थ्री से डिवाइड किया, डिवाइड बाय थ्री, थ्री से डिवाइड करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करना है हमें, फैक्टराइज, ये जो बीच वाली टर्म होती है वो क्या होती है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम जो आना चाहिए वो हमारा कितना आना चाहिए बेटा, टू, प्रोडक्ट जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए हमारी, वन, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्रोडक्ट आए वन और सम आए टू, तो वन इंटू वन, वन इंटू वन ही करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट वन ला सकते हैं और सम क्या हो जाएगा, वन और वन का टू, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, वन एक्स लिखेंगे प्लस वन एक्स प्लस वन, या फिर इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से कॉमन क्या आ गया बेटा, एक्स, अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस वन, तो फैक्टर्स जो आ गए वो क्या आ गए, एक्स प्लस वन और x प्लस वन, इनको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ भी x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस वन, यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस वन,
दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास माइनस वन और माइनस वन, और बाकी फैक्टर्स जो थे हमारे क्या थे, वो रूट फाइव बाई थ्री कोमा माइनस रूट फाइव बाई थ्री कोमा माइनस वन माइनस वन। दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमें गिवन थी। आई होप इट इज़ क्लियर। कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।